नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड क्लास बचे हुए एग्जाम से रिलेटेड अभी अभी एक न्यू नोटिफिकेशन आया है और ये नया नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पहले से पता है कि जो बचे हुए एग्जाम है आपके यहाँ पर 9 जून से 16 जून तक आयोजित की जाएंगे और इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट विस्तार से पढ़ सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश शासन, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया है वो आज का ही, आप देख सकते हो यहाँ पर डेट सोमवार 8 जून 2020 को, और यहाँ पे बोल रहा है कि कोरोना संक्रमित अथवा क्वारंटाइन विद्यार्थी बाद में दे सकेंगे हायर सेकेंडरी विशेष परीक्षा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी जो बची हुई एग्जाम है यहाँ पर 9 जून से 16 जून तक आयोजित की गई हैं, अगर कोई भी विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव है और अगर किसी प्रकार का वो कहीं पर भी क्वारंटाइन है, तो ऐसे में उसके लिए अलग से विशेष परीक्षा का आयोजित बाद में किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिख के आ रहा है कि कोरोना पॉजिटिव एवं क्वारंटाइन विद्यार्थी को विशेष परीक्षा में शामिल होने के लिए स्वयं अथवा परिवार के सदस्य का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अथवा क्वारंटाइन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई कोरोना पॉजिटिव है या अगर आप कहीं पर भी क्वारंटाइन हो और ऐसे में अगर आप बाद में इस परीक्षा को शामिल होना चाहते हो बाद में, तो आप परीक्षा बाद में भी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा विस्तार से इसके बारे में पढ़ के बता देता हूँ। तो वर्ष 2020 की शेष विषयों की परीक्षा 9 जून से 16 जून तक आयोजित की गई हैं। इस परीक्षा में शामिल ना हो सकने वाले कोरोना संक्रमित क्वारंटाइन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए मंडल द्वारा बाद में विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण कतिपय जिलों में ऐसे छात्र जो वायरस से संक्रमित, जिनकी रिपोर्ट वर्तमान में पॉजिटिव आई है अथवा जिनके उपचार के बाद रिपोर्ट निगेटिव आई है किंतु उनकी क्वारंटाइन अवधि पूर्ण नहीं हुई है, अथवा ऐसे छात्र जो स्वयं क्वारंटाइन हैं अथवा उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन है तथा छात्र परिवार के साथ रहता है एवं छात्र भी क्वारंटाइन है, और दृष्टिहीन दिव्यांग छात्र स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से यदि शेष परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए तो बाद में मंडल द्वारा विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। विशेष परीक्षा में एक विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पूरक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप जो परीक्षा भी दे रहे हो दो विषयों की, अगर आप इसमें एक विषय में फेल हो जाते हो तो आपकी सप्लीमेंट्री आएगी और सप्लीमेंट्री भी आपको यहाँ पर आयोजित की जाएगी बाद में। आपको किसी भी प्रकार का कोई एक विषय में फेल होने के बाद आपको जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएंगी। तो दोस्तों, यही है इस अपडेट के बारे में। अगर आपका अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट से पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई 100% कर दूंगा। और साथ में आपको ये बात खास करके आपको ध्यान में रखना है जो यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है।